ओके चलिए आज मैं बताने वाला हूँ, मैं ये व्लॉग वन है और इसमें बहुत ही बड़ी सिटी जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका की बहुत बड़ी सिटी है, शहर है, बहुत बड़ा, बिग सिटी बोल सकते हो आप। और यहाँ पे मैं घूमने आया हूँ तो मैंने सोचा एक व्लॉग तैयार करूँ। मैं इसकी सीरीज़ बनाने वाला हूँ अलग अलग, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। सो सैन फ्रांसिस्को में क्या क्या देखने लायक है उन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे आज। कुछ कुछ चीज़ें मैं बता दूंगा, कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो ये सैन फ्रांसिस्को की गलियां हैं जहां से मैंने टैक्सी कैब किया, कुछ पिक्चर्स भी क्लिक की, जैसे कि ये बिल्डिंग की मुझे अच्छी लगी तो मैंने क्लिक करके डाल दी। ये गली भी बहुत अच्छी थी, सलोन्स है रास्ते में, टैटू शॉप हैं बहुत सारी और बहुत सारी छोटी छोटी शॉप हैं, जैसे कि इंडिया में रहती है वैसे। ये डाउन टाउन है तो हम लोग आज घूमने जा रहे हैं। एक स्ट्रीट है बहुत फेमस, उसका नाम है, मैं आपको दिखाऊँगा अभी, काफ़ी फेमस स्ट्रीट है पूरे वर्ल्ड में और जो भी सैन फ्रांसिस्को आता है वहाँ ज़रूर जाता है। और आप लोगों को भी रेकमेंड करूँगा, अगर नेक्स्ट फ्यूचर में अगर आप घूमने जा रहे हो तो ज़रूर घूमने जाइएगा। इस तरीके से अलग अलग सब डेस्टिनेशन बताऊँगा जहाँ पे मैं घूम के आया और जो चीज़ें अच्छी हैं देखने लायक। सो बी रेडी। ओके, ये जो स्ट्रीट की बात कर रहा हूँ उसका नाम है अपने आप में एकदम डिफरेंट स्ट्रीट। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये यूपिन कैसा होता है, हेयर पिन होता है ना, यूपिन जो हम लगाते हैं बालों में, हमारे हेयर के रिलेटेड आ गया। देखो, क्योंकि हमारा हेयर चैनल है, बट स्टिल आई एम प्लानिंग की कुछ लाइफस्टाइल व्लॉग्स भी डाले जाएं इसके ऊपर। तो यूपिन की तरह ही बनी हुई है ये कुछ। आप बोलोगे यूपिन तो हमने बहुत सारी स्ट्रीट देखी हैं ऐसी, बट ये जो स्ट्रीट दिखाने जा रहा हूँ ये आपने नहीं देखी होंगी। ओके, एकदम डिफरेंट, न्यू, मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस था। सेंटर में सड़क है, साइड में सीढ़ियां हैं उतरने के लिए और जल्दी ही हम पहुंचने वाले हैं। बस आफ्टर दिस रोड, जैसे ही हम पहुंच जाएंगे उस स्ट्रीट के पास। आप बताइए आप और क्या देखना चाहोगे मेरी वीडियोस के अंदर, व्लॉग्स के अंदर आपको क्या अच्छा लगता है? क्योंकि ये मेरा पहला व्लॉग है तो मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ कि क्या अच्छा है क्या नहीं, तो मैं डाल रहा हूँ एटलीस्ट वीडियोस जो मैंने क्लिक की हैं, जो मैंने बनाई हैं आप लोगों के लिए। और बस पास में ही है, बहुत अच्छा रोड था, व्यू था, मैंने सोचा ये भी बना दूँ। लॉम्बर्ड स्ट्रीट सैन फ्रांसिस्को, अगर आप गूगल भी करते हो सी। इसके बाद मैं ज़्यादा कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, आप जस्ट मज़े लीजिए इसके, किस तरीके से लोग इसके ऊपर जाते हैं। बड़ी गाड़ियाँ भी जाती हैं, ये तो छोटी गाड़ियाँ आप वहाँ पे रेंट पे ले सकते हो और घूम सकते हो। ये स्ट्रीट कैसी दिखती है आपको टॉप व्यू दिखाता हूँ मैं अभी, ये जाने के बाद जैसे ही ये कार चली जाएगी। ऐसी ऑलमोस्ट 8 यूपिन हैं दोनों तरफ से। सी, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बाय 1922 में बनी थी, ये यूपिन की तरह लगती है, हेयर पिन की तरह। ये देखिए लेफ्ट में मैंने पिक्चर डाला है, ऊपर से अगर देखेंगे तो ऐसा दिखता है ये लॉम्बार्ड स्ट्रीट। तो देखिए, मज़े लीजिए और बताइए आपको ये वीडियो पसंद आया है। और काफ़ी सारी पिक्चर्स भी अपलोड कर रहा हूँ मेरी खुद की, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम नई नई वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं अबाउट अमेरिका। काफ़ी सारी चीज़ें दिखाऊँगा अमेरिका के बारे में। ओके, और जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। सारी वीडियो आराम से देखो, बहुत मज़ा आने वाला है। जस्ट सी इट।